सी गाय, इसने मुझे इतने पदार्थ दे दिए और मैं पूरी धरती को जीत के आया हूं इन पदार्थों के लिए, और तू इन्हें यहां गाय के कान में लेके बैठा है, तो क्यों ना मैं तेरी ये गाय ले जाऊं, क्यों ना मैं तेरी ये गाय छीन के ले जाऊं जो इतने पदार्थ दे सकती है। साधु ने कहा, क्या तू ऐसा कर भी सकता है? भुला मुझे एक क्षण लगेगा तुझे बंधक बना के गाय छीनने में। राजा का इतना कहना हुआ कि साधु का संकेत हुआ और गाय के एक कान से न जाने कितने घुड़सवार सैनिक दौड़ पड़े बाहर, हाथी घोड़े तोप की नलियां लेके बाहर दौड़ पड़े उस कान से। एक मिनट में राजा और राजा की पूरी सेना और राजा के सारे शहरियों को बंधक बना लिया। राजा साधु के पैरों में गिर गया। अज्ञान ध्वंत विध्वंस, अज्ञान नष्ट कर दीजिए। हमें ज्ञान दीजिए। तो जब ज्ञान आता है तो ईश्वर तो आपके सामने खड़ा होता है। ज्ञान के आगे सब नतमस्तक हैं। आपको फिर कोई हथियार की जरूरत नहीं होती, आपको सुरक्षा के लिए संबंध बनाने की गार्ड्स की जरूरत नहीं होती, आपको भोजन की चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सोचने के साथ आएगा, शब्द निकलने से पहले आएगा। तब ऐसे ज्ञान की अभिप्सा के साथ, प्यास के साथ, जिजीविषा के साथ कि हमें जीवन की ज्योति का ज्ञान मिल जाए, वो साधु संत वहां बैठे। तो सूत आ गए, सूत उन्हें कथा सुनाने लगे, वृंदावन ले गए। कथा में प्रवेश का द्वार वृंदावन है। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुज, यत्र वृंदावन तत्र लक्षा लक्ष कथा कुत। जहां वृंदावन है वहां कोई भाव नहीं आ सकता प्यारे, कोई भाव नहीं है। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, एक एक पात पे, एक एक वृक्ष पे स्वयं नारायण विराजमान है। वल्लभाचार्य जी एक बार ठाकुर जी का भोग लगा रहे थे, साथ में एक भक्त था। भगवान का भोग लगा के प्रसादी करी और प्रसादी उस भक्त को दे दी कि इसे पालो। बोला, जय जय, मैंने तो अभी स्नान नहीं किया है। तो वल्लभाचार्य जी बोले, वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, वो वंशी वाला वृक्ष वृक्ष पे बैठा है, पत्रे पत्रे चतुर्भुज है, एक एक पत्ते पे चतुर्भुजधारी बैठा है, यत्र वृंदावन तत्र लक्षा लक्ष कथा कुत। जहां वृंदावन है प्यारे, वहां शुद्ध अशुद्ध, नहाया नहीं नहाया, इसका कोई भान नहीं है, क्योंकि इस रज में परब्रह्म परमात्मा तो लोर मारता था। जिसने इस ब्रज रज को खाया है, चाटा है, जिसने पादुका धारण नहीं करी, शंकराचार्य भी जब ब्रज में पहुंचे तो जिनके लिए रोज आसन तैयार होता था, 5 फीट जहां भी शंकराचार्य जाते थे तो उनके भक्त 5 फीट गहरी धरती को खोदते थे, छान के मिट्टी उसमें डालते थे, फिर गोबर का लीपा, और फिर न जाने कितने मंत्रों से उसे शुद्ध करते जब आचार्य चरण वहां बैठते थे। लेकिन जैसे ही वो वृंदावन पहुंचे तो भक्त जब उनके लिए तैयार करने लगे तो उन्होंने कहा, अब मत करना, ये ब्रज रज ये भूमि देव अविप्सित है, इंद्र भी तो तरसता है यहां आने के लिए, यहां परम ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं लोड़ लगाई है। शंकराचार्य वहां ऐसे बैठे, वहां आज नारद ने एक युवा स्त्री को देखा, वो रुदन कर रही है,
और उसके दो पुत्र पड़े। संत हृदय नवनीत समाना, जो मक्खन होता है उसको हाथ पे रखो तब पिघलता है हाथ की गर्मी से, लेकिन संत का हृदय किसी के कष्ट को देखने मात्र से पिघल जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, यदि तो ऐसा हृदय नहीं है तो फिर वो संत भी नहीं है। हृदय द्रवित होना चाहिए। नारद भूल गए कि मैं क्या करूं। भगवान को प्राप्त करने के चार मार्ग बताए हैं, ज्ञान, योग, कर्म और भक्ति। ये चार मार्ग भगवान को प्राप्त करने के बताए हैं। सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, प्रेम की भी पराकाष्ठा हो जाए कृष्ण प्रेम की, जानत तुम ही हो जाए। भक्त जब भगवान को जान जाता है तो वो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। जैसे वो ईश्वर को जानने लगता है तो उसका भाव ईश्वर जैसा होने लगता है, उसके गुण उसमें आने लगते हैं, नारायण के गुण। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये नाम है चार लेकिन ये चीज एक ही है। एक कर्म योग है ईश्वर को प्राप्त करने के चार मार्ग जो बताए। कर्म है यज्ञ अनुष्ठान करके, संकल्प किया या अनन्याश किया, यज्ञ अनुष्ठान किया, इस मार्ग से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। पर इसमें कठिनाई यह है कि शुद्ध मंत्र हो, शुद्ध गुरु हो, आचार्य शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध संकल्प और शुद्ध धन हो। बड़ा कठिन मार्ग है। कई बार बहुत उच्चता पे जाके आखिरी श्री पे जहां ईश्वर मिलने वाला है वहां से भी गलती हो जाती है तो फिर से जीरो पे आ जाते हैं। वहां से भी सत्यस्मिन परम प्रेम रूपा, जानत तुम ही हो जाए। वो कोई गलती वहां पे हो जाती है। एक योग मार्ग है जो प्राण वायु को 60 चक्रों में संगठित करके योग के द्वारा अपनी आत्मा को नियंत्रित करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो एक कर्म मार्ग है जिसमें अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि ये सारी चीजें करके, जब तप नियम करके ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। एक दूसरा योग मार्ग भी है, प्राण वायु प्राणायाम के द्वारा नियंत्रित करके, 60 चक्रों को समझ के, कुंडलिनी जागृत करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। एक ज्ञान मार्ग भी है जिसके द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। इसमें पहले श्रवण है, मनन है, फिर अभ्यास है, फिर नित्य अभ्यास के बाद फिर उसका अज्ञान को भी आपको जानना है, फिर अविद्या को तोड़, आवरण को तोड़ना है। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। योग का मार्ग का बड़ा कठिन है, जैसे ज्ञान विवेक का जो साधन है कि जैसे भार्या रक्षतु भैरवी, आप जो है यज्ञ में आहुति दे रहे हैं लेकिन बोलने में, उच्चारण में निकल रहा है भार्या भक्षतु भैरवी,